हम उन दोनों चोरों को जेल से निकलवा देते हैं। क्या? हाँ देखो, ये दोनों गुंडे हो ना हो जेल से निकलने के बाद अपने बॉस के यहाँ ही जाएंगे और वहाँ हमको उनका एक्चुअल प्लान पता चलेगा। लेकिन बहुत रिस्की है चिंपू, पांडू और प्यारे अंकल को भी। दिया, सिर्फ तुम ही इसमें हेल्प कर सकती हो, प्लीज। थैंक्स दिया। का हो, हमसे बचना चाहते थे, पकड़ लिया ना हमने। ए? आपने? वो तो उस कुत्ते की वजह से। कौन कुत्ता? हेलो प्यारे अंकल, पांडू अंकल। अरे दिया बेबी, ये कमिश्नर सर ने कोई नया काम दिया ला है क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे अपने स्कूल प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी, ऑन रियल लाइफ हीरोज। हीरो? मैं? नहीं, मेरा बॉस प्यारे सर। दिया ताली। चलिए आज के आपके कारनामे से शुरू करते हैं। क्या आपको कभी डर नहीं लगता? नो, नेवर। सिंपू, लेट्स गो। ओए बेवकूफों, क्या किया तुमने आज? पकड़े कैसे गए? सिंपू, ये आवाज मैंने कहीं सुनी है। सर क्या बोलेगा, वो कुत्ता ऐसा पीछे पड़ा ना कि बस। शट अप। अब ये बताओ वो डायमंड्स किधर है? वो सर, वो डायमंड्स तो हमने साइकिल की सीट्स में रखे थे ना, रेस के एंड पॉइंट पर सीमा पार जाने थे ना। क्या वो डायमंड्स पकड़े गए? नहीं सर, नहीं, वो बच्चों की साइकिल समझकर साइकिल वहीं रख ली थी ना। समझे सिंपू, यानी कि ये मामला डायमंड स्मगलिंग का है। अब तो देखना पड़ेगा कि इन गुंडों के पीछे कौन है। मैं कुछ भी करके आज वाली साइकिल रेस फिर ऑर्गेनाइज करवाता हूँ, लेकिन इस बार कोई गड़बड़ नहीं। नहीं होगी सर, बस आप उस कुत्ते को ना कैसे भी करके दूर रखिएगा। सिंपू, अब कल की रेस में जरा इन तीनों को शॉक करते हैं। पापा आते ही होंगे। आई होप साइकिल रेस आज या कल में ही ऑर्गेनाइज हो। हाँ? क्या हुआ पापा? ओ बेटा, मैंने दो बेवकूफों को ना अपने साथ में रखा है, एक ये प्यारे और पांडू। अब वो जो कल पकड़े थे ना गूंज, वो गायब हो गए। अच्छा पापा, लेकिन ये कल वाली रेस कब होगी? चोपड़ा अंकल ने कुछ कहा? अब वो रेस क्यों होगी, वैसे भी मिस्टर चोपड़ा को आज या कल में दिल्ली निकलना ही है। एनीवे, ओ मैं जरा अपने इडियट से ना अपडेट लेता हूँ। हेलो प्यारे लाल। ये क्या हुआ सिंपू? चलो एक बार उस जगह चलते हैं जहाँ ये मिस्टर चोपड़ा रुके हुए हैं। आप लोगों में से किसी ने इन चोरों को देखा है? एक्सक्यूज मी, आपने देखा है? अरे बाबा, अभी 24 घंटे में हम कैसे पकड़ेंगे चोर को? पक गया मैं ये काम से, है ना, रिटायर होना मांगता है अभी। सर जी, क्या आइडिया आया है भेजे में? का? क्यों ना अपन अपना जेल का किसी दो चोर को पकड़ के उनको मार मार के कहलवा दे कि वही वो चोर है। इसे तो पहले ही किसी ने बेहोश किया हुआ है, कुछ गड़बड़ चल रही है सिंपू। आओ वहां से देखते हैं। बताओ वो डायमंड्स किधर गई? मेरा यकीन मानिए मिस्टर ली, वो उन साइकिल्स में ही है। एक बार वो साइकिल इवेंट फिर से हो जाने दीजिए, आपको वो डायमंड्स मिल जाएंगे। तुम्हें मैं छोड़ सकता हूँ एक शर्त पर, तुम अपने लॉकर का पासवर्ड मुझे दो। बताओ
1 7 8 8 8 0 जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना है। तो ये मिस्टर चोपड़ा इन लोगों के साथ डायमंड्स की स्मगलिंग कर रहा था। यहाँ नहीं, अभी इनके पास गन्स हैं। मेरे पास एक आइडिया है। हेलो दिया। हेलो चिंपू, तुम लोग कहाँ हो? मैं बहुत परेशान हूँ। लिसन दिया, एक काम करो, वो जो डायमंड से भरी साइकिल्स थी ना, उनमें से कोई भी एक लेकर प्लीज न्याय मार्ग में मिलो। वो साइकिल पुलिस स्टेशन में होगी, मुझे वहाँ से लानी होगी। टैक्सी, टैक्सी। एक्सक्यूज मी, आपने देखा है? चलो बस, पुलिस। सुनिए, आपसे थोड़ी हेल्प लेनी थी। ओहो, लगता है हिंदी नहीं आती है। कोई बात नहीं, आई हेल्प यू। हम भारतीय विदेशों की हमेशा मदद करते हैं। यू वांट कैब? मी कार। ये टैक्सी, रुको। सर डोंट वरी, आइए। चिंपू, ये लो, बड़ी मुश्किल से निकाल पाई हूँ। थैंक यू दिया। सर, जब मैं उन चोपड़ा के गूंज पर नजर रख रहा था, तब ये साइकिल उसके गूंज ने चुराई थी। हाँ, इतना शाइनिंग हैंडल है इस साइकिल का, इसलिए मुझे याद है। कैब वाले, इस बच्चे की साइकिल का पीछा करो। अरे अंकल, आप इन दोनों गूंज को ढूंढ रहे हैं ना? इनको मैंने न्याय मार्ग के गैराज में जाते हुए देखा। सलो, जल्दी। ये गई इनकी रिवॉल्वर बाहर। अब तू गया काम से। सिंपू, छोड़ना मत इनको। डायमंड्स वही होंगे। लड़के, पता बता वो डायमंड्स किधर है? अभी बताता हूँ, ये ले। अरे, वो दूसरा चोर कहाँ है? और आप तो उहे, और ये कहाँ है? ये तो स्मगलिंग का केस लग रहा है। इन सबको पुलिस स्टेशन ले चला। और चलिए, एक चोर पकड़ा गया तो उसने दूसरे को भी पकड़वा दिया। और गुड जॉब प्यारे सर। और इन सबको जेल में ठूस दो। ये। Once again, चिंपू सिंपू, तुम दोनों के दिमाग से चोर पकड़े गए।
एंड ऑफ क्राइम, इट्स सेल्फी टाइम।